हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलवंत और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्मॉल आरसी बोट का प्रोपेलर बनाएंगे। इस प्रोपेलर बनाने के लिए हमें एक चीट की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीट पतली और हल्की लेनी है ताकि आपको काटने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने मुताबिक कोई भी चीट आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमें ये चीट पर परिकर से एक सर्कल बना लेना है। तो उस सर्कल के ऊपर प्रोपेलर डिजाइन कर लेना है। फ्रेंड्स, प्रोपेलर डिजाइन करने के लिए मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। उसमें फ्रेंड कागज लेना है और कागज के ऊपर प्रोपेलर डिजाइन कर लेना है इसी तरह। और फ्रेंड्स, हमें सीजर के जरिए काट लेना है। ये डिजाइन किया हुआ प्रोपेलर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, उसे फेविकोल से शीट के ऊपर चिपका लेना है। उस प्रोपेलर के बीच में एक छोटी सी खिली से एक होल बना लेना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोपेलर के जो बाहर का हिस्सा है वो चारों तरफ से हमें काट लेना है। तो ये प्रोपेलर मैंने पहले से ही तैयार करके रखे हैं। प्रोपेलर के लिए एक शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो शाफ्ट के लिए मैंने एक साइकिल का स्पोक यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये स्पोक का जो निपल होता है हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो उस निपल को हमें इस ब्लेड से काट लेना है। तो फ्रेंड्स, ये दो पीस हो गए। तो फ्रेंड्स, पहले ये वाला हिस्सा हमें स्पोक के ऊपर फिट कर लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड, हमें इस प्रोपेलर को भी उस वहां पर फिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये पंखा भी फिट हो गया। और उसके बाद दूसरा पीस फिट कर लेना है। और उसे दोनों साइड से फुल टाइट कर लेना है ताकि वो पंखा ढीला ना पड़े। तो फ्रेंड्स, पंखे की मजबूती के लिए आप कोई भी फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये पंखा फ्रेंड्स ऐसी तरह घूमेगा, राइट साइड घूमेगा। पंखे की ए वाली ब्लेड हमें अंदर की तरफ मरोड़ना है और ए वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ मरोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोपेलर हमारा तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, जो उसकी शाफ्ट है, जो आप अपने हिसाब से आप जितनी लंबी रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम शाफ्ट और मोटर दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ बॉल पिन का कट पीस यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी मोटर के हिसाब से जो आप प्रोपेलर यूज़ करोगे तो आपकी मोटर अच्छा वर्क करेगी। अगर फ्रेंड, जो आपके पास 3 वोल्ट की मोटर है तो हमेशा छोटा प्रोपेलर ही यूज़ करना। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं मोटर यूज़ की है उस मोटर के हिसाब से जो ये प्रोपेलर मैंने बनाया है वो बहुत पावरफुल काम करता है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।